आज सावन का पहला दिन है और सावन के पहले दिन में हम लोग आज महेंद्रनाथ धाम पे हैं और उस समय धाम पे हैं जिस समय बाबा महेंद्रनाथ धाम के इस शिवलिंग की सजाया जा रहा है। और देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ के जो भी ब्राह्मण लोग हैं वो लोग इसको सजा रहे हैं, जो भी यहाँ के पुजारी हैं वो लोग समझा रहे हैं, जितने भी बेलपत्र हैं सभी बेलपत्रों पे राम राम लिखा हुआ है। काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको सजाया जा रहा है और पूरे विधि के साथ उनको इत्र से लेकर दूध से लेकर सब कुछ सजाया जा रहा है। और ये बाबा धाम का ये जो महेंद्रनाथ धाम है उसका ये शिवलिंग है जो आपरूपी उपतरित हुआ था। ये पूरी इस जगह की हम आपको कथा बताएंगे, लेकिन अभी आपको जो दिखा रहे हैं वो ये है कि अभी यहाँ आरती होने जा रही है और आरती होने से पहले ये शिवलिंग को जो सजाया जा रहा है वो आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से इसको सजाया जा रहा है। और इसके बाद यहाँ आरती होगी और आरती के बाद फिर यहाँ सारे लोग जो भी लोग बाहर लाइन में खड़े हैं वो लोग दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद यहाँ जलाभिषेक होगा, यानी इसके बाद से पूजा की जो विधिवत जो शुरुआत होती है आज से शुरू हो जाएगी। तो आज सावन का पहला महीना है और सावन के पहले दिन जो ये सुंदर से तरीके से बाबा महेंद्रनाथ धाम के जी शिवलिंग को सजाया जा रहा है, तो पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, देखते रहिए न्यूज व्यूज। सावन के महीने में सीवान के मेहदार स्थित बाबा महेंद्रनाथ धाम लोगों की आस्था का खास केंद्र बना हुआ है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ की भांति यहां भी दूर दराज से लोग भगवान शंकर को दूध अभिषेक और जलाभिषेक करने आते हैं। आज सावन के पहले दिन ही दूध अभिषेक के लिए आए श्रद्धालुओं की यहां भारी भीड़ उमड़ रही है। देखिए महेंद्रनाथ के श्रृंगार से लेकर आरती और जलाभिषेक की पूरी खबर। बाबा शिव धाम की आरती शुरू हो गई है और शिवलिंग के पास जितने भी ब्राह्मण हैं जितने भी यहाँ के पुजारी हैं सब लोग आरती कर रहे हैं और आरती के बाद यहाँ से अब जलाभिषेक शुरू होगा। और बाहर जितने भी लोग खड़े थे जिसे हमने आपको दिखाया ये सभी लोग यहाँ जलाभिषेक करेंगे और पूरे दिन ये तांता लगा रहता है, पूरे सावन यहाँ लोग जलाभिषेक करते हैं और जो भी लोग यहाँ आते हैं सच्चे मन से जो भी मांगते हैं वो पूरी होती है, ऐसा यहाँ की मान्यता है, ऐसा लोग कहते हैं। और ये पूरे सावन यहाँ पे इतनी भीड़ होती है जैसे बाबा महेंद्रनाथ धाम की महिमा है, ऐसा कहा जाता है कि जो भी कुष्ठ रोगी होते हैं या कोई भी रोग होता है वो यहाँ आके मानते हैं तो पूरी होती है। बाबा महेंद्रनाथ एक राजा थे जो नेपाल से आए हुए थे, उन्होंने इस मंदिर को बनाया था और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर को महेंद्रनाथ धाम भी कहा जाता है। यूं तो सावन मास में भगवान शंकर की पूजा के लिए देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, लेकिन सीवान के सिसवन प्रखंड के मेहदार स्थित बाबा महेंद्रनाथ धाम भी शिव भक्तों के आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां बैद्यनाथ धाम के तर्ज पर ही दूध अभिषेक और जला अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। करीब 2000 वर्ष पुराने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में यह नेपाल देश के अंतर्गत आता था और एक बार कुष्ठ रोग से पीड़ित नेपाल नरेश महेंद्रनाथ ने शौच के बाद यहाँ स्थित एक गड्ढे में हाथ साफ कर लिया तो उनके कुष्ठ रोग दूर हो गए। राजा ने जब यहाँ खुदाई करवाई तो गड्ढे के नीचे से एक शिव लिंग निकला, जिसके बाद से राजा ने यहाँ शिव मंदिर बनवा दिया और तब से यह महेंद्रनाथ धाम के रूप में विख्यात हो गया। मंदिर के पुजारियों की माने तो इस जगह पर भगवान शिव की विशेष कृपा है, जिस कारण कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग अपने रोगों से मुक्ति के लिए यहां आकर करीब 552 बीघे में फैले विशाल कमल दाह सरोवर में स्नान करते हैं। वहीं अपनी मुरादें पूरी करने के लिए लोग यहां मन्नतें भी मांगते हैं, जिसके लिए मंदिर के दरवाजे पर घंटा टांगा जाता है। हमारे साथ यहाँ मुख्य पुजारी हैं जो टीका भी लगा रहे हैं। मैं इनसे सीधे बात करता हूँ कि क्या मान्यता है यहाँ की। सर अब क्या मान्यता है इस मंदिर की? इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ आज के डेट में भी कुष्ठ रोगी अगर आता है अब सागर के जल से स्नान करता है तो उसका कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है बिना औषधि का। जितने जो महेंद्रनाथ धाम नाम रखा गया क्यों? ये महेंद्रनाथ धाम महेंद्र वीर विक्रम नेपाल के एक नरेश थे जिनके द्वारा बाबा का प्रादुर्भाव किया गया यहाँ से। उस वक्त कुछ नहीं था, यहाँ जंगल रहा,
और उसको भी कुष्ठ रोग था, और उस कुष्ठ रोग के लिए वो गंगापुर सिसवन सरजू जी स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में यह जगह पड़ी तो यहाँ विश्राम किए, और जल जहाँ बाबा हैं वहाँ बरसात का जल कुछ लगा हुआ था, उस जल से जब उनका स्पर्श हुआ तो उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। यही चमत्कार देख करके उन्होंने भगवान शंकर का यहाँ पे खुदवा करके देखे तो लिंग था, अब मंदिर बनवाए। ये मंदिर जो है बाबा महेंद्रनाथ के नाम पे है, क्योंकि महेंद्रनाथ जो है एक नरेश नेपाल के, उन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया था। और भी बहुत सारे लोग हैं, सबसे बात करेंगे, लेकिन जो यहाँ पुजारी हैं उनसे हम बात करते हैं कि क्या मान्यता है और सावन के महीने में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। यहाँ बहुत सारे बाबा हैं, इनसे जानते हैं। आइए, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपसे जानता चाहेंगे कि यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं इनसे हम बात करते हैं कि ये जो यहाँ की मान्यता है, क्या है मान्यता? यहाँ का मान्यता है कि कुष्ठ रोगी भी लोग ठीक हो जाते हैं, जिसको पुत्र नहीं होता उसको पुत्र भी होता है, जिसको नौकरी चाकरी नहीं लगती है वो प्रभु देते हैं, लग जाते हैं। सावन में काफ़ी भीड़ होती है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? उत्तर प्रदेश से बिहार तक पूरे इंडिया के लोग यहाँ आते हैं जी, हर जगह। अच्छा, ये जो मंदिर है, इस मंदिर की क्या खास कहानी? सबसे बड़ी विशेषता है कि ये आप रूपी शंकर भगवान हैं, आया यहाँ कि जो महिमा है अपार महिमा है। पहले लोग कहते थे कि कुष्ठ रोगी राजा तो ठीक है, आज बहुत कुष्ठ रोगी लोग ठीक हो गए हो रहे हैं, हर प्रकार के रोग यहाँ ठीक होते हैं। हाँ, इतनी बड़ी सरोवर कहीं हमारे बिहार में भी नहीं है। बिल्कुल, इस मंदिर की एक खास मान्यता ये भी है कि यहाँ जो सरोवर है वो 52 बीघा में फैली हुई है, 551 बीघा में फैली हुई है, और इतना बड़ा सरोवर कहीं नहीं है, और इसकी पानी कभी नहीं सूखती है। थोड़ी कम हो जाती है ज़रूर, लेकिन पानी इसकी आज तक नहीं सूखी है, और आज तक इसका अंत क्या है, मतलब इस सरोवर के नीचे क्या है, कोई नहीं जान पाया है। तो ये बहुत बड़ी मान्यता है। और देखिए, लगातार भीड़ बढ़ रही है, लगातार सभी लोग जो हैं वो सारे लोग यहाँ जलाभिषेक कर रहे हैं। और 4 बजे भोर से भीड़ थी, अभी आरती के समय पट को बंद किया गया था और सज्जा धज्जा किया गया, उसके बाद से फिर यहाँ पट खोला गया और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तो लगातार ये भीड़ बढ़ रही है और लगातार लोग यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ आकाश न्यूज व्यूज सिवान। देखिए, ये बाबा महेंद्रनाथ का बाहर का सीन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक लंबी कतार लगी हुई है लोगों की, क्योंकि यहाँ आज से सावन शुरू हुआ है और सभी लोग यहाँ के एक बड़े से तालाब से पानी भर के और इस बाबा महेंद्रनाथ के शिवलिंग पे डालते हैं। और देखिए कैसे बड़ी बड़ी घंटियाँ बज रही है, पूरी भीड़ जाम लगी हुई है चारों तरफ, हर लोग अपने आस्था के अनुसार यहाँ पूजा करते हैं। कोई दूध चढ़ाता है तो कोई जल चढ़ाता है, और देखिए जय शिव के नारों से ये पूरा गूंज रहा है, ये पूरा मंदिर, ये एक पूरी मंदिर, बड़ी मंदिर है। मैं आपको पूरा सीन दिखाना चाहता हूँ कि देखिए कैसे बाहर भी एक लंबी लाइन लगी हुई है, महिला हो पुरुष हो बच्चे हो, सभी लोग इस लाइन में लगे हुए हैं और सभी लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने आए हुए हैं। आरती के बाद इस मंदिर में आज सभी लोग जलाभिषेक करेंगे, और आज से जलाभिषेक का ये जो ताता है पूरे सावन भर चलता है, पूरे सावन के बाद भी यहाँ लोग आते हैं, और सिर्फ सिवान जिले के ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों से इस जगह पे आते हैं। बड़ी मान्यता है बाबा महेंद्रनाथ की, ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो शिवलिंग है वो आप रूप उत्पन्न हुआ था, और जिसे कुष्ठ रोग होते हैं, जिसे बीमारियाँ होती हैं, जो भी सच्चे भाव से यहाँ मानता है उसकी पूरी हो जाती है। तो इस पूरे मंदिर की, इस पूरे बाबा महेंद्रनाथ की पूरी कहानी देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। हर प्रश्न आशीष के साथ आकाश न्यूज व्यू शिवान। वहीं लोग भी मंदिर से जुड़ी मान्यताओं में अपनी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। यहां आकर ना सिर्फ वे लोग कमलदास सरोवर में नहाते हैं बल्कि मन्नतें मांगकर घंटा भी बांधते हैं। यह सिलसिला काफी बरसों से चलने के कारण अब यह एक परंपरा बन गई है। वहीं सावन और महाशिवरात्रि के मौकों पर यहां दूर दराज से श्रद्धालु शिव भक्त आकर पूजा अर्चना करते हैं। खासकर सावन के सोमवार को यहाँ शिव भक्तों और श्रद्धालुओं का कमलदास सरोवर में स्नान और दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए भक्त हजारों हजार की संख्या में उमड़ते हैं, और दूध से अभिषेक करने के लिए श्रद्धालु लोटे में नहीं बाल्टियां भर भर कर बड़े बड़े बर्तनों में दूध भर कर लाते हैं और महेंद्रनाथ के शिवलिंग पर दूध को चढ़ाते हैं। जब
शिवलिंग दूध में डूबता है वो अपनी आस्था प्रकट करते हैं। सावन के महीने में सोमवार को हजारों लीटर दूध से लिंग का अभिषेक किया जाता है। पूरा मंदिर दूध से भर जाता है, यहाँ तक कि भीड़ के कारण भक्त भी दूध में नहा लेते हैं। दूध चढ़ाने के लिए यहाँ सुबह से ही तांता लग जाता है। लोगों का मानना है कि देवघर के समान यहाँ भी भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार पर पूरे सावन भर निवास करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं, उनको कष्टों से दूर करते हैं। अब सावन का बहुत अच्छा महीना ऐसे शुरू हुआ है और मैं भगवान शंकर में बहुत आस्था रखती हूँ। पहली बार मैं यहाँ पे आई हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे आके, और मैं भगवान से कामना करती हूँ कि बस समाज और परिवार सबका भला हो। थैंक यू। आज सावन का प्रथम दिन है, बहुत सौभाग्य से ये दिन मिलता है। पूरे माह हम लोग भक्ति में तन्मय रहते हैं भगवान भोले के नाथ के, और यहाँ बहुत प्राचीन सभ्यता है यहाँ भगवान शंकर की। हम लोग 30 किलोमीटर दूरी तय करके आते हैं, बहुत खुशी प्राप्त होती है, पूरे परिवार के साथ हम लोग आते हैं और भगवान मनोकामना। यहाँ पे हम जब से बच्चे थे, 5 साल के थे, तब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ पे निकटतीय गाँव है बेनौत, वहाँ का निवासी हूँ मैं, कानपुर रेलवे एम्प्लॉय हूँ। लेकिन आज सावन के पहला दिन पूजा करने के ही मन से मैं छुट्टी आया था। यहाँ जो भी मन्नत मांगिए बाबा के यहाँ पूरा होता है। ये महेंद्रनाथ नाम जो है, महेंद्र प्रताप राजा थे नेपाल के, उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ, उन्हीं का बनवाया हुआ है वो कुछ जी। रविशंकर सिंह नाम है, बेनौत के रहने। आज हम खड़े हैं सिवान के सिसवन प्रखंड के ऐतिहासिक बाबा महेंद्रनाथ धाम पर। यह यहाँ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक धाम है और सावन का महीना चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग बाबा के यहाँ जल चढ़ा रहे हैं। लोगों का इसी आस्था है बाबा में कि आने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। पूर्व के समय में यहाँ नेपाल के राजा आए थे जिनके शरीर में कुष्ठ था, और उन्होंने इस पोखरे में का पानी अपने शरीर पर चढ़ाया था, उसके बाद उनका सारा कुष्ठ ठीक हो गया था। तब से यहाँ यह परंपरा चली आ रही है कि अगर कोई भी कुष्ठ का रोगी यहाँ आए और 6 महीना तक बाबा के पोखरा में स्नान करे और नित्य पूजा करे तो उसका कुष्ठ बिना दवा के ठीक हो जाता है। यह आस्था जुड़ी हुई है, यहाँ पे देश के हर एक कोने से लोग आते हैं। न्यूज़ के लिए सचिन पांडे। बहरहाल इस साल भी सावन के मौके पर बाबा महेंद्रनाथ धाम पर श्रद्धालु शिव भक्तों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, और देवघर की भांति ही यहाँ भी बड़े चाव से श्रद्धालु अपनी आस्था और श्रद्धा में लीन होकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिससे पूरा महेंद्रनाथ धाम बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान हो रहा है।